में सिर्फ एक बात करेंगे हम कि हम बाबा साहब को क्यों माने। बाबा साहब की बहुत सुंदर बात थी उनके व्यक्तित्व में, वो किसी से नफरत नहीं करते थे, गुस्सा जरूर था, पर बाबा साहब ने कभी नहीं सिखाया कि नफरत और हिंसा करिए। महात्मा गांधी से बड़े अहिंसक बाबा साहब थे। तो मैं तीन चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि आई कहां से। जब मैं बाबा साहब पर शोध कर रहा था तो भगवान बुद्ध के तीन सूत्र देखे, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब इसका अर्थ जानिए, बाबा साहब जब इस सूत्र को लेते हैं और बुद्धं शरणं गच्छामि की जब बात करते हैं तो भगवान बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी शरण आइए या मेरी पूजा करिए या मुझे मानिए। भगवान बुद्ध का एक ही मंतव्य था कि अपनी बुद्धि का विकास करके अपनी बुद्धि की शरण में जाइए। और बुद्धि का विकास कैसे होगा वो सूत्र बाबा साहब ने पहला दिया, एजुकेट, अपने आप को शिक्षित बनाइए तो आपका बुद्धि का विकास होगा। दूसरा सूत्र देखिए, ऑर्गेनाइज। और बाबा साहब कहते हैं अपने आप को संगठित करो, और भगवान बुद्ध दूसरा सूत्र देते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। दुनिया भर में मैंने भाषण दिए हैं बाबा साहब पे, दुनिया भर के लोगों के पास मैं जाता हूं, अभी भी बात हो रही है, ये शराब नहीं पीता है, ये कुछ खाता नहीं है, कहीं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के साहित्य में ये नहीं लिखा कि आप हिंसक बनके और दूसरों पर राज करिए। ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है वो एक ही है दुनिया में। धम्म को जिसने अपनाया है, सिर्फ धम्म में ही एक ताकत है कि बहुत लोगों को एक साथ लाके बिठा दे, इसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करो, और बुद्ध कहते हैं कि धम्मो शरणं गच्छामि। और तीसरी बात, एजिटेट। उस तीसरे सूत्र को भगवान बुद्ध ने जब किया है, बाबा साहब ने कितनी सुंदर तरीके से उसको लिया है। तीसरा सूत्र है एजिटेट, और भगवान बुद्ध कहते हैं संघम शरणं गच्छामि। यदि आपने संगठित किया अपने आप को और संघ बना लिए और आप उस संघ की ताकत को समझ गए, तो विरोध का मतलब, एजिटेशन का मतलब ये था, भगवान बुद्ध का मतलब ये था कि पहले, सबसे पहले अपनी बुराइयां, अपने अंदर के चारित्रिक जो दोष हैं उनका विरोध करिए और फिर समाज को सुधारिए। ये काम सिर्फ आप अपना जो भावनाएं बुरी है मन में उसका विरोध करके ही सीख सकते हैं। 1927 में महाड़ का आंदोलन देखिए, जिस व्यक्ति को पानी नहीं पीने दिया गया था उस व्यक्ति ने इस देश को, भारत को जल नीति दी थी और ये बताया था कि पानी का उपयोग कैसे करते हैं। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दो बांध बनवा के पानी से बिजली बनाई थी, और भारत को बिजली बनाकर देने वाले सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर थे। वही 1927 में जब महाड़ में उन पर आक्रमण हुआ, उन पर पत्थर फेंके गए, उनके भोजन में मिट्टी मिला दी गई, तो बाबा साहब को जब लोगों ने बोला, उनके फॉलोअर्स ने, हम बदला लेंगे, हम इनको अंतिम मारेंगे, बाबा साहब ने बोला दिस इज नॉट माय पर्पस, हिंसा मेरा उद्देश्य ही नहीं है, मेरी कलम में ताकत है तो मैं सबको झुका दूंगा। और झुका के गए, आज आप सब उस बात का उदाहरण हो, तुम बैठे हो कि दुनिया को अपने सामने झुका रहे हो। देश विदेश में जितने विद्वान हैं, बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं, मैं उनसे एक ही बात करना चाहता हूं, आप कुछ मत करिए, किसी को बुरा भला मत बोलिए, किसी की लकीर को मत काटिए, अपनी लकीर बड़ी खींच दीजिए।
मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि 5 मिनट दिया था तो मेरी बात खत्म होगी, लेकिन मैं अपनी जब भी बात खत्म करता हूँ तो मेरी 4 लाइनों से खत्म करता हूँ। वो 4 लाइन बाबा साहब और सतगुरु रविदास जी महाराज की प्रेरणा से मैंने लिखी। सतगुरु रविदास जी महाराज भी कहते ना कि सब में ज्योति एक है पर अपने अंदर झांकी। तो आज जब चकाचौंध को हम देख रहे हैं और आज की जो हमारी पीढ़ी हम देख रहे हैं, तो मैं कहीं ये देख रहा हूँ कि हम सब कहीं खो गए हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो उस खोई हुई दुनिया से मैंने 4 लाइनें निकाली और वो कहकर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वो इस तरह की मिट्टी हूँ, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूँ। मिट्टी हूँ, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूँ। वक्त की रेत पर बैठे कुछ निशान तलाशता हूँ। मैं राम बनूं या रहीम ये मेरे बस की बात नहीं, इसलिए रोज अपने भीतर अपने आप को तलाश।